वेलकम स्टूडेंट, टेक्निकल वर्ल्ड में आपका स्वागत है। अभी हम लोग इंजीनियरिंग ग्राफिक्स पढ़ रहे हैं, जिसमें आज का टॉपिक हमारा प्रोटेक्टर है। तो आइए देखते हैं, जानते हैं कि प्रोटेक्टर क्या होता है, इसका यूज़ किस तरह से करते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। लिखा प्रोटेक्टर इज मेड ऑफ वुड, टिन और सिलिकॉन। जो हमारा प्रोटेक्टर है वो किस किस चीज़ों से बना हो सकता है? वुड, टिन या सिलिकॉन से हमारा प्रोटेक्टर बना होता है। आगे प्रोटेक्टर ऑफ ट्रांसपेरेंट सेलुलॉइड आर इन कॉमन यूज। जो हमारा प्रोटेक्टर होता है, अगर वो ट्रांसपेरेंट सेलुलॉइड का होता है ना, उस प्रोटेक्टर को हम लोग कॉमन यूज में लाते हैं। नेक्स्ट है, दे आर फ्लैट एंड सर्कुलर और सेमी सर्कुलर इन शेप। और जो इसका शेप होता है कैसा होता है? या तो सर्कुलर होता है, नहीं तो सेमी सर्कुलर होता है। ओके, नेक्स्ट है कॉमनेस्ट। द कॉमनेस्ट टाइप ऑफ प्रोटेक्टर इज सेमी सर्कुलर एंड अबाउट 100 mm डायमीटर। जो हमारा कॉमनेस्ट टाइप का जो प्रोटेक्टर होता है वो कैसा होता है? मे बी सेमी सर्कुलर होता है, इस तरह का, ठीक है। और जो इसका जो डायमीटर होता है वो 100 mm के अप्रॉक्स होता है। ये बात कह रहा है, इट इज इट्स सर्कमफेरेंशियल एज इज ग्रेजुएटेड टू 1 degree डिवीजन, is numbered at every 10 interval and is readable from the both ends। ये क्या कह रहा है? इट्स सर्कमफेरेंशियल एज, ठीक है। इसका जो सर्कमफेरेंशियल यानी इसकी जो परिधि का एज है ना, वो ग्रेजुएटेड रहता है, यानी बटा रहता है 1 degree डिवीजन, ठीक है। और 1 degree डिवीजन से बटा रहता है, और ये इज न्यूमरेटेड एट एवरी 10 degree इंटरवल। और जो उसका न्यूमरेटेड यानी जो उसका नंबर हम देते हैं वो एवरी 10 इंटरवल, जैसे 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, इस तरह से 180 तक अगर हमारा सेमी सर्कुलर है तो उसको हम इस तरह से देते हैं। उसके बाद है द डायमीटर ऑफ सेमी सर्कुलर वाया विच स्ट्रेट लाइन 0 to 180 इज कॉल्ड द बेस ऑफ प्रोटेक्टर, ठीक है। जो जीरो से है ना, यहाँ से लेके यहाँ तक 180 तक, इसको क्या बोलते हैं? बेस ऑफ प्रोटेक्टर। एंड एंड इट्स सेंटर ओ इज मार्क बाय ए लाइन परपेंडिकुलर टू इट, ठीक है। और ये जो सेंटर है वो एक लाइन से मार्क रहता है जो इसके परपेंडिकुलर होता है, ठीक है। द प्रोटेक्टर इज यूज टू ड्रॉ और मेजर सच एंगल्स एज कैन नॉट ड्रोन विथ द सेट स्क्वायर। जो हमारा प्रोटेक्टर है ना, उसका यूज किसके लिए करते हैं? ड्रॉ और मेजर ऐसे एंगल्स को करने के लिए कि जो कि हमारे प्रोटेक्टर के द्वारा नहीं किए जा सकते हैं, ठीक है। क्योंकि अभी आप लोगों ने हमने देखा था कि प्रोटेक्टर के द्वारा ही कितना कितना डिग्री, 45 degree, 30 degree, 60 degree, और भी दोनों प्रोटेक्टर को ऐड करके 15 degree, 105 degree, इस तरह से हम एंगल्स खींच सकते हैं, ठीक है। बट और उसके अलावा जो भी एंगल्स हैं जो कि हमारे सेट स्क्वायर के द्वारा नहीं खींचे जा सकते हैं, उसको हम किससे खींचते हैं? प्रोटेक्टर के हेल्प से, ठीक है। आगे देखते हैं, अ सर्किल कैन बी डिवाइडेड इनटू एनी नंबर ऑफ इक्वल पार्ट्स बाय मीन ऑफ प्रोटेक्टर, ठीक है। और जो हमारा जो प्रोटेक्टर है उसके माध्यम से सर्किल को कितने भी भाग में, जितना हमारा इच्छा हो उतने भागों में बांट सकते हैं। उस वक्त हमने देखा था जैसे हम सर्किल को कितने 24 भाग में, फिर 8 भाग में, इस तरह से बांटते थे 6 में, ठीक है। उस तरह से इस अभी भी हम सर्किल को बांट सकते हैं, ठीक है। बट ये प्रोटेक्टर से एनी नंबर ऑफ में बांट सकते हैं। वो 360 में हो इच्छा तो 360 हमारा डिग्री दिया होता, वो ये सेमी सर्कुलर है, सर्कुलर प्रोटेक्टर के द्वारा उसको भी हम बांट सकते हैं। तो आपको इस सेशन में, इस लेक्चर में आपको कोई भी प्रॉब्लम रह गई होगी तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछे, ठीक है। और ये वीडियो आपको पसंद आती है, लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, घंटी को बटन को भी दबाएं और हेल्प करें। थैंक यू।